तो यहाँ हम लोग अपना कॉलेज का लैब खत्म करके जस्ट अभी अभी निकल रहे हैं जाने के लिए कॉलेज स्ट्रीट। अब कॉलेज स्ट्रीट में हमारा मस्त इंडियन कॉफी हाउस है, तो आज मेरे साथ कंपनी देने के लिए मेरे दोस्त, ये रहा रोहन, उसको तो आप जानते ही होंगे अर्पिता, और वो रहा प्रियम। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं कॉलेज स्ट्रीट, उसके बाद जाके वहीं जाके बात करते हैं। सो लेट्स गो। यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन कॉफी हाउस। प्रियम जैसे हाय। बस दिक्कत इतना सा हुआ है कि यहाँ पे जगह ही खाली नहीं है, चारों तरफ पूरा का पूरा भीड़ भरा पड़ा है। वहाँ पीछे आप देख सकते हो झगड़ा चल रहा है लोगों का, क्या ही किया जा सकता है। अब यहाँ मतलब उस टाइम तो खैर वीडियो बना नहीं पाया, जैसे ही घर आया फटाफट भाग के आया, ऑलमोस्ट बस 5 मिनट बाकी था क्लास देने के लिए, तो फटाक से क्लास में घुसना पड़ा, इसलिए वीडियो बन नहीं पाया उस टाइम। लेकिन अभी बात करते हैं रिव्यू का। तो देखो, अगर मैं ओवरऑल रिव्यू दूँ, लाइक लास्ट टाइम मैं जब गया था खाने के लिए वहां पे, तो खाना वहां का मतलब बिलो एवरेज था। लेकिन आज जब मैं गया तो वहां पे लाइक दाम ऑफकोर्स बढ़ाया, लेकिन क्वालिटी भी बेटर किया है पहले से, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। लाइक पहले आई गेस कॉफी, शायद कोल्ड कॉफी मैंने जब मंगाया था 25 या 35 रुपए का था, अब 55 का है, लेकिन उसका टेस्ट पहले से बेटर हुआ है। लास्ट टाइम जो चाउमीन वेज चाउ आई गेस शायद 65 या 70 का कुछ था, या शायद उससे भी सस्ता, या थोड़ा उससे ऊपर नीचे होगा, और अब वो 110 का था वेज चाउ, तो वो भी अच्छा था। लाइक टेस्ट ऑफकोर्स ज्यादा था, मतलब अच्छा था, एंड क्वांटिटी भी अच्छा खासा था। तो अगर आप लाइक आपका कॉलेज स्ट्रीट के या आसपास में आपका कॉलेज है या स्कूल है, या आप वहीं से आना जाना करते हो, तो यू मस्ट विजिट आउट देयर, एक बार जाके देखो। दाम ज्यादा नहीं है, आप चाहो तो अपने लव वंस को भी ले जा सकते हो, वैसे भी वो काफी पुराना एस्टेब्लिश है कैफे, तो वहां पे जाकर के एक बार देख सकते हो कि कैसा होता है, तो इट इज ओके, लाइक यू शुड मस्ट विजिट आउट देयर। ओके, सो आज का वीडियो को बस यहीं पे रखते हैं। सो अगर पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड हाँ, कैफे हाउस कॉफी हाउस जाना जरूर, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।